हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो ऑफ पोयम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद बाय सरोजनी नायडू। द पोएटेस ऑफ दिस पोयम सरोजनी नायडू इज वेल नोन टू अस बाय द नेम ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी वॉज ए पेट्रियॉट एंड फ्रीडम फाइटर, बट हर फर्स्ट लव वॉज पोएट्री। शी लव्स पोएट्री वेरी मच, टू राइट पोएट्री। द पोयम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद was written sometimes during the Swadeshi movement. So, in that period, Indians are boycotting foreign products and encouraging native Indian products. So, patriotism is the theme of this poem. Now, come to the explanation of the poem. What do you sell, O ye merchant? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade. Mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. In this stanza, the poetess is showing the market of the Hyderabad, and all the things displayed in this market were of Indian. Okay, the person who is in the market is calling, "Oh, hey merchants, means your wares, your things are richly displayed," means you have displayed everything very clearly, very beautifully, and the things are turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade. Usme turbans of crimson and silver, turbans means pagdi, red, dark red color ki pagdi, aur usme silver ka border hai. Tunics of purple brocade, aur kya tha us shop mein? Tunics means hota hai ki frock ya top type se hota hai, purple brocade, पर्पल कलर का है और ब्रोकेट के कपड़े का है. ब्रोकेट इज अ टाइप ऑफ क्लोथ. मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, और मिरर्स भी डिस्प्ले हुआ है. मिरर्स मीन्स द थिंग विच वी यूज टू सी द फेस, और उसमें जो बॉर्डर है वो एम्बर से बना हुआ है. डैगर्स विद हैंडल ऑफ जेड, डैगर्स मीन्स एक चाकू होता है बड़ा सा जो दोनों तरफ से धार होती है, जिसमें विद हैंडल्स ऑफ जेड, जिसका जो हैंडल है जिसको पकड़ के चाकू चलाते हैं वो ग्रीन कलर के स्टोन से डेकोरेटेड है. द पर्सन कम टू द सेकेंड शॉप वेयर मेनी थिंग्स आर डिस्प्लेड. सो ही आस्क्ड, व्हाट डू यू वे ओ वेंडर्स. सेफ्रन एंड लेंटिन एंड राइस, वेंडर्स से पूछता है. वेंडर्स मीन्स द पर्सन हु सेल्स देयर थिंग्स फ्रॉम वॉकिंग. ओके, सो उनसे पूछ रहा है कि आप व्हाट डू यू वेक, आप क्या मेजर कर रहे हैं. सेफ्रन एंड लेंटिन एंड राइस, सेफ्रन मीन्स केसर, लेंटिन मीन्स पल्सेस दालें, राइस मीन्स यू नो चावल. व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडिंस, मेडिंस मीन्स यंग गर्ल्स. यंग गर्ल्स आर ग्राइंडिंग समथिंग, सो द पर्सन इज आस्किंग कि तुम क्या ग्राइंड कर रही हो, क्या पीस रही हो. द गर्ल्स आर सेइंग सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी को पीस रहे हैं. हिना एंड स्पाइस, हिना मीन्स मेहंदी, स्पाइस मीन्स मसाले. व्हाट डू यू कॉल ओ ई पेडलर्स, चेसमैन एंड आयरी डाइस. और नेक्स्ट शॉप थी वो पेडलर्स, मीन्स जो ठेले पे सामान बेचते हैं. चेसमैन एंड आयरी डाइस, वो भी चेसमैन और आयरी डाइस. आयरी डाइस मीन्स होता है जो हाथी के दांत से बने हुए थिंग्स होते हैं. डाइस मीन्स होता है चौकोर, चौकोर मेड अप ऑफ एलिफेंट टस्क. आइस मीन्स ओके. पेडलर मीन्स प्रोडक्ट सेल डोर टू डोर, डोर टू डोर जो थिंग्स को सेल करते हैं उनको पेडलर्स कहते हैं. क्लियर. व्हाट डू यू मेक ओ ई गोल्ड स्मिथ. नाउ द पर्सन वेंट टू द गोल्ड स्मिथ शॉप एंड आस्किंग कि व्हाट आर यू मेकिंग. रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग, रिस्लेट इज अ थिंग विच इज वॉर्न इन द रिस्ट. एंकलेट पैर की, पैर में पहना जाता है, और रिंग अंगूठी. बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन्स, और वो क्या बना रहा है, ब्लू पीजन्स के लिए बेल्स. पहले के समय में पीजन्स को बेल पहनाई जाती थी जिससे कि उनके आने की आहट रहती थी. दे वर द ओनली मैसेंजर्स एट दैट टाइम. फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, और द ब्लू द बेल्स आर सो लाइट एज द फ्रेल ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज विंग्स. गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स. द गोल्ड स्मिथ वॉज मेकिंग गर्डल्स ऑफ गोल्ड, कमर में बांधने की
सोने की कमर की करधनी जो कि डांसर्स पहनते थे, उसमें हल्का सा बेल लगा रहता था। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स, और किंग्स के लिए तलवार रखने के लिए जो स्टैंड होता था, जो चीज होती थी, वो गोल्ड का बना रहा था गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट शॉप, व्हाट डू यू क्राई, नेक्स्ट शॉप ऑफ द हैदराबाद बाजार वॉज फ्रूटमैन। व्हाट डू यू क्राई ओ ई फ्रूटमैन, सिट्रन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम। द फ्रूटमैन इज सेइंग, आई वॉज सेलिंग सिट्रन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम। क्राई मीन्स टू कॉल आउट शाउटली। आप जानते हैं फ्रूट्समैन लोग जोर जोर से चिल्ला के अपनी चीजों को बेचते हैं। ऑल दीज आर द फ्रूट्स ऑफ विटामिन सी। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, सितार, सारंगी एंड ड्रम। देन कम्स टू द म्यूजिशियन शॉप एंड आस्किंग कि तुम क्या प्ले कर रहे हो, सितार, सारंगी और ड्रम ही वॉज प्लेइंग। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, स्पेल फॉर द यंग्स टू कम। और फिर वो मैजिशियन शॉप में जाता है और पूछता है तुम क्या जोर जोर से जादू कर रहे हो, सॉरी तुम क्या जादू कर रहे हो। तो वो कह रहा है स्पेल्स फॉर द एयर्स टू कम, वो भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें बताने के लिए वो जोर जोर से कॉल करके, चैंट करके, मंत्र पढ़ के दिखा रहा था वो। ऑल दीज आर थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट ऑफ हैदराबाद। What do you weave, O ye flower girls, with tassel of azure and thread? And next shop he went was the flower girls. Or asking, what are you weaving? क्या बुन रही हो? तो with tassels of azure and thread. Tassels means loose threads. और azure means bright blue color का फ्लावर होता है, और रेड कलर का फ्लावर से। Crowns for the brow of a bridegroom. दुल्हन के दुल्हन का क्राउन बना रहे हैं। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और उनके दुल्हन की बेड को सजाने के लिए चैपलेट्स बना रहे हैं। शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। द लास्ट थिंग द फ्लावर गर्ल्स वाज मेकिंग द शीट ऑफ द व्हाइट ब्लॉसम न्यू गैदर्ड, नए इकट्ठा किए हुए फूलों से वो डेड बॉडी के लिए फ्लावर का पूरा वो तैयार कर रही है, उसके ऊपर बिछाने वाला। दिस पोएम वॉज रिटन बाय द सरोजनी नायडू एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सो ऑल थिंग्स विच आर डिस्प्लेड इन दिस मार्केट ऑफ हैदराबाद वॉज ऑफ अवर नेटिव लैंड इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। In the Bazaar of Hyderabad is a vibrant, colorful poem describing the bazaars of Hyderabad. This poem was written during the British rule when Indians were asked to boycott foreign good products and buy goods from traditional Indian bazaars. Through this poem, Sarojini Naidu wanted to convey the message that India is rich in tradition and we don't need the foreign products. That's all for this video. Thank you, students.